जी हाँ, फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया फर्जी दरोगा। पैसों के लिए लोग कितना हद तक पहुंच जाते हैं, ये तो इस वीडियो को देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जी हाँ, ये मामला है दरभंगा यातायात प्रभारी ने। दरभंगा जिला के मिर्जापुर चौक के पास से एक होटल में बैठे हुए फर्जी दरोगा को फिल्मी स्टाइल में यातायात पुलिस ने पकड़ा है। जी हाँ, नगर थाना क्षेत्र के हवाले किया। बताया जाता है कि यह फर्जी दरोगा करीब 8 महीने से शहर के दोनार चौक और मिर्जापुर चौक पर खड़ा रहता था और वन वे में आ रही गाड़ी को चालान करता था और धमकी देता था कि या तो हमें कुछ पैसे दे दो या फिर हम तुम्हारा बड़ा चालान कर देते हैं। किस तरह से ये पुलिस बनकर प्रशासन को आंख में धूल झोंक रहा था, लेकिन इससे क्या पता कि ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। आखिरकार दरभंगा के मिर्जापुर चौक से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की छानबीन की जा रही है। मामला यह है कि दरभंगा जिले के टाउन थाना क्षेत्र में मिर्जापुर चौक पर एक व्यक्ति ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। जब सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम वहां पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वह पूरे तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म में था और SI का रोल निभाते हुए का फर्जी स्वांग रचते हुए लोगों को रोक कर ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर उनसे सुनी, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया पिछले कुछ महीनों से वैसा कर रहे थे। क्या क्या बावजूद भी उनके पास कुछ आई कार्ड्स हैं, एक आध डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिलाधीश टाइप के हैं। सर, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा दरभंगा शहर में इस तरीके से, और वो भी उस इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस तरह का अंजाम ये लोग दे रहे हैं। नहीं, उससे पूछताछ की। उसने बताया कि जब भी वो किसी पुलिस गाड़ी को, गश्ती गाड़ी को देखता था तो आसपास के दुकानों में या कहीं और छिप जाया करता था। बड़े ही चालाकी से ये खुद भी दरोगा एग्जाम के परीक्षार्थी भी रहा है, इसलिए तौर तरीकों से वाकिफ है। फिजिकल वगैरह का एग्जाम से निकाला है इसने, ये सारे तौर तरीके इसके बनने बनने का तरीका जो था वो बिल्कुल। कहाँ का रहने वाला सर? ये मधुबनी जिले का रहने वाला है। सर, क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? कुछ आई कार्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इनके साथ और किसी का संयुक्ता पूछी जा रही है क्या? नहीं, इस पर पूछताछ की जा रही है फिलहाल। तो सर, इनकी जानकारी, नाम वगैरह वो साझा किया जाएगा फिर उसमें। ठीक है, थैंक यू। नाम है आपका और क्या करते थे और कितने दिनों से कर रहे हैं और किस तरह से DSP बन रहे थे और किन किन जिलों में यह काम किया? अशोक कुमार साहब नाम हुआ और SI के पोस्ट पर काम करते थे। दो नारा ना कहीं मिर्जापुर में आकर के काम करते थे। वन वे में जो भी कार्य था तो उसको रोकते थे। 1500 रुपया उसका चलान कटे, चलान कटेगा ये तो मैनेज करना, तो मैनेज करो तो 500 जो भी हुआ होता था वो देकर चल जाता था। ऐसे ही करते थे 8-9 महीने से। ये आइडिया आया कैसे? ये फिल्म तैयारी करते थे, दरोगा की तैयारी की थी। 3 बार एग्जाम दिया था, 2 बार मेंस निकल गया, फिर मेरिट में छटा गया। एक बार इस बार बैठे थे तो नहीं निकला है, तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग उनको अच्छे से। कितने बार एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? 3 बार। 3 बार में मेंस में मेरिट निकल पाया। कितना कितना नंबर आया आपको? नंबर ये सब फर्स्ट बार आया था 143 आया है, सेकेंड बार ये 175 आया है, इस बार जाकर ये काम आया है 90 नंबर आया हुआ। घर के लोगों को क्या बताते थे कि आप इंस्पेक्टर हैं? क्या बताते थे? ट्रैफिक में हम इंस्पेक्टर हैं। घर के लोगों को बताते थे तो घर के लोगों को क्या बताते कि आप पुलिस विभाग में हैं? जी। क्या लग रहा है जिस तरह का आप अभी काम हुआ पकड़ा गए हैं, आपको पुलिस ने कैसे पकड़ा? हम मिर्जापुर में 11 बजे आए हुए तो बैठे हुए चाय की दुकान पर। फिर आए सर, आए गौरव सर और दो सिपाही आए, बैठा करके गाड़ी में बैठा लिया। आपके साथ और भी कोई है क्या? जी नहीं, हमारे साथ और कोई नहीं। आपको इस बात का डर नहीं था कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कभी ना कभी पकड़ा जाएंगे? डर था। फिर अगर मान लीजिए आप दरोगा में फिल करेंगे तो और भी तो तैयारी थी, वो भी तैयारी आप कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, कहीं और भी तो प्राइवेट में जॉब कर सकते थे। हमारे शुरू से सपना था बढ़ देता है, चाहे बिहार पुलिस का हो या कॉन्स्टेबल का या दरोगा का, यही हमारा सपना था। नंबर दीजिए। तो सपना पूरा करने के लिए फर्जी
दरोगा बन गया। ये भी करते थे, तैयारी भी करते हैं। कहाँ घर है आपका? जगदीशपुर। कौन था ना? मनीगा सिंह। अब तो आपका सपना, विजय साहब, अब तो आपका सपना टूटने वाला है। अब जेल चले जाइएगा तो अब क्या करिएगा? अफसोस हो रहा है इस बात का? जी बहुत अफसोस हो रहा है। क्या लग रहा है जेल से अब नई नौकरी खोजनी है? तू जेल में पढ़ाई वढ़ाई करना चाहेंगे? जी। क्या चाहेंगे? प्राइवेट में बीपीएससी की तैयारी करेंगे सर। हाँ, और इसीलिए आप सोचते हैं कि हम इसीलिए बड़ा पे ऑफिसर बंद करेंगे, इसलिए वहाँ से जेल में पढ़ाई करेंगे। जी चलिए, ठीक है, थैंक यू।